गुड़गांव से ना बॉम्बे तक की जो जर्नी है वो 1200 किलोमीटर की है। अभी हमने तय नहीं की, जब पूरा ढंग से वो चालू हो जाएगा तब एक ट्रिप वहां का भी मारेंगे बाय कार, है ना। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहां से सीधे जयपुर, और आप जयपुर, हम लोग तो वैसे जर्नी कवर कर रहे हैं पूरी पुष्कर तक की, पर हम यहां से फिलहाल सीधे जयपुर जाके एक हॉल्ट लेंगे और कल पुष्कर जाएंगे। तो जयपुर के लिए हमने ये पकड़ा हुआ है एक्सप्रेस वे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है सिटी से सीधे आपके बड़ौदा वाले एक्सप्रेस वे। तो ये सोना रोड है। हाँ, ये सोना रोड है, तो ये कनेक्टिविटी के लिए ये बनाया गया है, वरना पहले ही अगर हम नीचे से जाते थे नहीं था तो इतना ट्रैफिक होता था, अब बहुत ज्यादा मतलब रास्ते बहुत कन्वीनियंट हो गए हैं। तो हम खुद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जयपुर तक की जो जर्नी है वो करने वाले हैं, पर वो एग्जैक्ट जयपुर को उतारता नहीं है, वो एक जगह पड़ती है दौसा, दौसा वहां पर आपको उतारेगा, उसके बाद आप वहां से आधे घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। आधे घंटे से ज्यादा लगेगा, आधा पौने घंटे ऑलमोस्ट, हाँ ट्रैफिक नहीं मिल रहा। तो ये है, और ये पूरा रूट कैसा रहता है ये आपको पूरी वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि इतना लंबा और कितना टोल लगता है, हाँ, और मेन है टोल, टोल कितना लगता है, तो वो सब हम आपको वीडियो में कवर करके बताएंगे, क्योंकि हम खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे पहले, और आप वीडियो देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। फिलहाल हम लोग इस पर चल रहे हैं और आगे जाके ये कनेक्ट करेगा, तो अभी कोई टोल नहीं आया, फर्स्ट टोल अभी आएगा, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि पहला वाला टोल कहाँ पर आपका पड़ेगा और कितने रुपए का पड़ेगा। तो ये साइड में जो दिख रही है ये सब अरावली हिल्स है, और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट टोल है, हम लोग गुड़गांव से चले हैं और ये अब पहला टोल पड़ रहा है, और ये वाला पहला जो टोल है वो है 115 रुपए का। चल ही नहीं रहे हैं तो, और काफी सारे नहीं चल रहे हैं, ये चल रहे हैं वाला तो चल रहा है, चलो हमारा चल गया, चल गया हमारा, चल गया। तो अब हम चढ़ने वाले हैं बड़ौदरा वाला एक्सप्रेस वे, तो आप देख सकते हैं एक जा रहा है कट सीधे, और हमें सीधे नहीं जाना है, हमें राइट वाले लेफ्ट वाले में चढ़ना है, ऊपर लिख रहा है यहाँ पे बड़ौदरा मुंबई वाला एक्सप्रेस वे। अब ये कैसा है आप देख लो, गाड़ी तो बड़ी स्मूथ चलती है 140 तक की स्पीड पर पता नहीं चलती है, वैसे यहाँ पे 120 की स्पीड आप रख सकते हैं, लिमिट है, इसमें बाइक अलाउड नहीं है, ट्रैक्टर अलाउड नहीं है, इस तरह की कोई चीज अलाउड नहीं है, सिर्फ कार्स एंड बसेस, इसमें बाइक अलाउड नहीं है। एक बार आप बाइक से आ गए थे, मैं आ गया था, वापस लौटा दिया, मुझे वापस लौटा दिया गया था आधे रास्ते से, तो आप बाइक से नहीं आ सकते, आधे रास्ते से एंड के 15 किलोमीटर पहले मुझे वापस लौटा गया, फिर मेरे को वापस 40 किलोमीटर पीछे जाना पड़ा। बहुत एक्सप्रेस वे घूम गई, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट उसमें
आपको पता नहीं पड़ रहा है कि आप 120 पे पहुंच रहे हो, ऐसा लग रहा है जो अपने दूसरे ड्राइविंग होते हैं 40-50 पे चलते हैं ना, वो वाली फील आ रही है मुझे, खुद देखना पड़ रहा है कि कहीं मेरा मीटर तो वो नहीं हो गया, तेज तो नहीं भग रहा, पता ही नहीं पड़ रहा कहीं पे आप, कोई दच्ची नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। और व्यू के मतलब ग्रीनरी है, बारिश में बड़ा मजा आता है। और उसके बाद जब हमने एग्जिट लिया जो उतरे तो 425 रुपए का वो टोल कटा था, ठीक है। तो जब आप चढ़ोगे तो उसमें उससे पहले चढ़ोगे मतलब वो जो आपका सोना एक्सप्रेस है, हाँ, तो ओवरऑल आपको गुड़गांव से लेके यहाँ तक जयपुर तक पहुँचने के लिए आपको चार टोल